हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हयात आबू दे दैरो हरम रहती है सदियों तक, तो बज़्म में इश्क में होता है एक साहब नजर पैदा। जहां तक मीरवाइज कश्मीर शहीद मिल्लत मौलवी मोहम्मद फारूक साहब की जात और शख्सियत का ताल्लुक है, तो हकीकत यह है कि शहीद रहनुमा जम्मू व कश्मीर के एक ऐसे अहम मुक्तदर और अजीम खानदान के चश्म चराग थे जिनकी दावत व तबलीग, रुश्द व हिदायत, समाजी इस्लाही व तालीमी खिदमात और सियादत व क़यादत तकरीबन चार सदियों की वसी और मुसलसल तारीख पर मुहीत और मुश्तमिल है। शहीद मिल्लत मीरवाइज फारूक अपनी अजीम जात और हमा पहलू शख्सियत के एतबार से दीन व सियासत और कदीम व जदीद का एक हसीन इम्तिजाज थे, जिन्होंने सिने शऊर के बाद ही कश्मीरी आवाम की क़यादत व सियादत का बेड़ा उठाया। और तारीख गवाह है कि तादमे शहादत अपनी पूरी हंगामा खेज जिंदगी में उन्होंने बेबाक और मुखलिसाना अंदाज में मजलूम आवाम की भरपूर रहनुमाई करने का हक अदा किया। चुनांचे आज सियासी मुबस्सिरीन ये महसूस करते हैं कि यही बेबाकी और हक गोई मीरवाइज कश्मीर की शहादत का सबब बनी। इक्कीस मई 1990 ईस्वी की मनहूस तारीख में शहीद मिल्लत मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक एक गहरी साजिश के तहत कश्मीरी आवाम से जुदा किए गए और मकाम शहादत पर फाइज हुए। शहीद मिल्लत मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक साहब अलैहिर्रहमा के बारे यही कहा जा सकता है कि जान कर मिन जुमले खासान मैं खाना तुझे मुद्दतों रोया करेंगे जहां पैमाना तुझे।